आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू, आप देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी के वीडियो सीरीज़। इस सीरीज़ में हम आज से स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9, और इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। ठीक है, बेसिकली ये जो चैप्टर है वो हाइड्रोलिक मशीनरी या फ्लूइड मशीनरी का चैप्टर है ना। इसके पहले हमने हाइड्रोलिक टरबाइन के बारे में डिस्कस किया था, जो कि एक हाइड्रोलिक मशीन सा, वैसे ही आज हम लोग डिस्कस करेंगे पंप के बारे में। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है हाइड्रोलिक मशीन्स के बारे में, द्रव चलित मशीन्स के बारे में। द्रव चलित मशीन क्या होते हैं? ऐसे मशीन जो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या ऐसे मशीन जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उन सभी मशीन को हम लोग हाइड्रोलिक मशीन्स कहते हैं, है ना। जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया हुआ था टरबाइन की सहायता से हम क्या करते थे, हाइड्रोलिक एनर्जी या वाटर में जो प्रेशर या काइनेटिक एनर्जी था उससे हम मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त करते थे। तो ऐसे डिवाइस को हम लोग हाइड्रोलिक टरबाइन कहते हैं, है ना। और ऐसे मशीन्स जिसकी सहायता से मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ करके हाइड्रोलिक एनर्जी प्राप्त किया जाता है, या मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, उन हाइड्रोलिक मशीन्स को हम लोग बोलते हैं पंप। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे पंप के बारे में। अब पंप क्या होता है? पंप एक ऐसा हाइड्रोलिक मशीन होता है या मैकेनिकल डिवाइस होता है, जिसकी सहायता से क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी या इसको हम प्रेशर एनर्जी भी बोल सकते हैं, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। जैसा कि आपको एक्चुअल पंप का डायग्राम या फिगर दिख रहा है, ठीक। यहाँ पे पंप में क्या करते हैं, इसमें पंप को जो मैकेनिकल एनर्जी दिया जाता है वो मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से प्राप्त होता है, ये मैकेनिकल एनर्जी पंप को इलेक्ट्रिक मोटर, आईसी इंजन या टरबाइन जैसे डिवाइस से दिया जाता है। और उसी मैकेनिकल एनर्जी से क्या होता है, कुछ जो प्राइम मूवर है जैसे पिस्टन है, प्लंगर है, इंपेलर है, प्रोपेलर है, गियर है, इस टाइप के कुछ जो पार्ट है या डिवाइस है ना, जो पंपिंग डिवाइस कहते हैं, उसका यूज़ करके, है ना, वाटर को क्या किया जाता है, उसको हाई प्रेशर के साथ में लिफ्ट किया जाता है ना। तो पंप का कार्य क्या होता है, पंपिंग का काम करना। पंपिंग का काम मतलब जो लिक्विड है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना या फ्लो कराना। ठीक है, तो ये काम उस पंप में लगे हुए पिस्टन, प्लंगर, इंपेलर, प्रोपेलर, गियर या स्क्रू की सहायता से किया जाता है। तो बेसिकली कोई भी पंप हो, कोई भी पंप में लगा हुआ डिवाइस हो, चाहे पिस्टन हो, प्लंगर हो, सभी में हम मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ करके जो वाटर या कोई भी लिक्विड है उसको हाई प्रेशर से हम प्रेशर एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो ये पंप का बेसिक काम है। ठीक है, और इसका पंप का उपयोग हम कहाँ करते हैं, लिक्विड को, जैसे कि पानी हो गया, कोई भी लिक्विड हो गया, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए, कन्वे करने के लिए हम लोग पंप का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब पंप का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, जैसा कि आप देखते हैं घरों में पंप यूज़ करते हैं, तो पंप का उपयोग हम बहुत सारे जगहों पे यूज़ करते हैं, हर एक फील्ड में यूज़ किया जाता है। जैसे कि थर्मल इंजीनियरिंग के फील्ड में हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, है ना। जैसे आप थर्मल इंजीनियरिंग फील्ड में जाएंगे, जैसे पावर प्लांट में चले गए, तो बॉयलर होता है, बॉयलर में पानी भरा जाता है, तो उसको पानी सप्लाई करने के लिए पंप का यूज़ करते हैं, है ना। वैसे कंडेंसर होता है पावर प्लांट में, तो कंडेंसर में जो वाटर सर्कुलेट होता है वो पंप की सहायता से होता है, है ना। वैसे ही सभी मशीन पार्ट्स को लुब्रिकेटिंग करना है ऑयल से, है ना, या आपको कूलिंग वाटर सप्लाई करना है, तो ऑयल हो या वाटर हो, इसको सब सप्लाई करने के लिए पंप का ही उपयोग करते हैं। इसी तरीके से कृषि और सिंचाई के क्षेत्र में भी पंप का उपयोग है,
जैसे आपको कुआं से पानी निकालना है तो पंप का उपयोग करेंगे, है ना, वैसे ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक पानी आपको सप्लाई करना है तो पंप का उपयोग किया जाता है। पंप का उपयोग रासायनिक उद्योग में भी करते हैं। पंप का उपयोग नगरों में या शहरों में पानी सप्लाई करना है तो वहाँ पे करते हैं। ड्रेनेज सिस्टम में भी पंप का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पंप का उपयोग हम जितने भी हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम है ना, जेसीबी है, क्रेन है, इन सब में भी हाइड्रोलिक नियंत्रण प्रणाली के में पंप का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पंप के बारे में, है ना, पंप का वर्गीकरण। तो पंप का जो क्लासिफिकेशन होता है वो उसके वर्किंग प्रिंसिपल के आधार पर किया गया है या उसके डिज़ाइन के फीचर्स के आधार पर किया गया है। तो बेसिकली जितने भी पंप है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, धनात्मक विस्थापन पंप, और दूसरा होता है रोटो गति गतिशील पंप, रोटो डायनेमिक पंप, है ना। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्या होता है ना, इसमें एक निश्चित मात्रा में कोई भी लिक्विड है उसको क्या करते हैं, डिस्प्लेस किया जाता है या डिस्प्लेसमेंट किया जाता है। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है ना, एक पिस्टन है और क्रैंक शाफ्ट, पिस्टन से वाटर क्या हो रहा है, सक हो रहा है, फिर जो सक हुआ है वाटर, है ना, जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है ऊपर, उसको क्या किया जा रहा है, डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो यहाँ पे वाटर को क्या किया जाता है, डिस्प्लेस या डिस्चार्ज करके वाटर को सप्लाई किया जाता है या लिक्विड को सप्लाई किया जाता है। तो इस तरीके के जो डिवाइस कहलाता है वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कहलाता है। ठीक है, अब सेकेंड जो इसमें क्लासिफिकेशन है वो है रोटो डायनेमिक पंप। इसमें क्या होते हैं, इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट नहीं किया जाता, या इसको नॉन डिस्प्लेसमेंट पंप भी हम बोल सकते हैं। इसमें पानी का जो प्रवाह उत्पन्न किया जाता है वो कैसे किया जाता है, दाब ऊर्जा पैदा करके, है ना, दाब ऊर्जा या प्रेशर एनर्जी उत्पन्न करके लिक्विड को क्या किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। तो ये जो दाब ऊर्जा या प्रेशर एनर्जी इंड्यूस किया जाता है उसके लिए हम लोग कोई घूमते हुए चक्की या व्हील का उपयोग करते हैं जिसमें ब्लेड लगे होते हैं, है ना। बेसिकली उसको हम लोग टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं इम्पेलर, ना। तो इम्पेलर का यूज़ करके रोटोडायनेमिक पंप में हाई प्रेशर एनर्जी जनरेट करके वाटर को फ्लो करते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में दो तरीके के पंप आते हैं। सबसे पहला जो है वो है रेसिप्रोकेटिंग पंप या प्रत्यागामी पंप। रेसिप्रोकेटिंग मतलब रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है ऐसे पंप में, है ना, रेसिप्रोकेटिंग मतलब आगे पीछे जब मूवमेंट हो, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट या वर्टिकल मूवमेंट हो तो उसको रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट बोलते हैं। तो इसके अंदर तीन तरीके के पंप है। एक पिस्टन पंप है ना, जैसे कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है ये पिस्टन पंप। प्लंगर पंप भी इसी तरीके से होता है, इसमें पिस्टन की जगह प्लंगर लगा रहता है। और तीसरा हैंड पंप, जो घरों में हम हैंड पंप यूज़ करते हैं वो भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के अंदर आता है। ये रेसिप्रोकेटिंग के अंदर तीन है। अब इसमें बेसिकली हम पिस्टन पंप के बारे में पढ़ेंगे, और पिस्टन पंप एक रेसिप्रोकेटिंग पंप के अंदर आता है, और रेसिप्रोकेटिंग पंप जो कि पिस्टन पंप है उसको फिर से हम आगे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक सिंगल सिलेंडर, सिंगल एक्टिंग या डबल एक्टिंग पंप हो सकता है, डबल सिलेंडर होगा और सिंगल एक्टिंग डबल एक्टिंग हो सकता है। तो ये बेसिकली हम नेक्स्ट चैप्टर में रेसिप्रोकेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। अब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के अंदर रोटरी पंप्स भी आते हैं, जिसके अंदर गियर पंप हो गया, वेन या लॉब पंप हो गया, स्क्रू पंप हो गया। ये सब क्या है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, जिसमें वाटर या लिक्विड को डिस्प्लेस करके डिस्चार्ज किया जाता है। जैसा कि ये सभी डायग्राम दिख रहा है, ये आपका गियर पंप है, ये भी गियर पंप है, ये लॉब पंप है ना, ये वैन पंप है। इसमें गियर क्या है, मूविंग पार्ट है, इसमें भी गियर मूविंग पार्ट है, इसमें लॉब मूविंग पार्ट है, पिस्टन के जगह वेन मूविंग पार्ट है, ये पिस्टन के जगह में ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, है ना, और वाटर को डिस्प्लेस करके या लिक्विड को डिस्प्लेस करके डिस्चार्ज किया जाता है। तो ये सभी डिस्प्लेसमेंट पंप है। ठीक है,
सेकेंड जो टाइप है वो रोटो डायनेमिक पंप या रोटो गतिशील पंप। इस पंप में हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर एनर्जी इंड्यूस करके जनरेट करके वाटर को एक हाई लेवल तक फ्लो कराया जाता है। तो इसके अंदर तीन तरीके से पंप आते हैं प्रवाह के आधार पर। एक होता है रेडियल फ्लो पंप, दूसरा है एक्सियल फ्लो पंप और तीसरा है मिक्स्ड फ्लो पंप, है ना। ये सभी जो लिक्विड के फ्लो डायरेक्शन के आधार पर बांटा गया है रोटो डायनेमिक पंप को, है ना। जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है आप लोग को, रनर या इम्पेलर मैंने बताया। इम्पेलर एक रोटेटिंग व्हील होता है जिसकी सहायता से क्या किया जाता है, मैं फोर्स अप्लाई किया जाता है और वहाँ पे प्रेशर एनर्जी इंड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो इम्पेलर का जो शाफ्ट एक्सिस होता है, एक्सिस के डायरेक्शन से कैसे फ्लो हो रहा है फ्लूइड, उसके आधार पर तीन है। अगर ये इम्पेलर के रेडियल डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है फ्लूइड तो कहलाता है रेडियल प्रवाह पंप, और इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल पंप है, और इस सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में ही इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है, रोटो डायनेमिक पंप है, और ये रेडियल फ्लो पंप भी है। दूसरा एक्सियल फ्लो पंप है ना। इम्पेलर के अक्ष की दिशा में जब फ्लो का प्रवाह होगा, जैसे कि ये दूसरा डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है एक्सियल फ्लो पंप, मिक्स में एक्सियल और रेडियल दोनों तरीके से फ्लो होता है, तो ये आपका कहलाता है रेडियल या मिक्स फ्लो पंप, ठीक है। इनमें तो इस तरीके से ये रोटो डायनेमिक पंप है। रोटो डायनेमिक के अंदर बेसिकली हम सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें अदर दोनों क्लासिफिकेशन के अलावा कुछ और टाइप के पंप होते हैं, जैसे जेट पंप और एयर लिफ्ट पंप। ये पंप ऐसे होते हैं जो ना तो डिस्प्लेसमेंट पंप होते हैं ना ही रोटो डायनेमिक पंप होते हैं। ये अलग ही तरीके से काम करता है, जैसे जेट पंप है या एयर लिफ्ट पंप है। एयर कंप्रेसर का यूज़ करके वाटर को लिफ्ट किया जाता है। तो ये पंप क्या है, कुछ अदर कैटेगरी के पंप हैं, ठीक है। आगे आपके चैप्टर 9 में और 10 में हम लोग ये चार प्रकार के पंप हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, सबमर्सिबल पंप और जेट पंप, इन चारों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।